एक महिला समेत तीन हत्यारों के विरुद्ध थाना सहजनवा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सहजनवा क्षेत्र में हत्या करने वाली एक महिला समेत तीन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सहजनवा पर मुकदमा दर्ज था, जिसमें अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र रोहित निवासी बरईपार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा कमलेश पुत्र केशव गुप्ता निवासी ग्राम तिलौरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर व तीसरी अभियुक्ता गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र उर्फ मन्नू निवासी भैसला निवासी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी गोरखपुर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त सभी की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के सक्रिय और संगठित अपराधियों के ग्रुप के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना सहजनवा पे एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। उल्लेखनीय है, इस गैंगस्टर एक्ट में तीन अभियुक्त हैं। गीता देवी, जिसने कि अपने पति की हत्या अपने दो साथियों के साथ मिलकर के करवाई थी, और उसके दो अन्य साथी इनके अभियुक्त गण की सूची में शामिल है। इस अभियुक्त के अंतर्गत उनकी संपत्ति की जांच करके उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जाएगी।